गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं। और मॉडल टेस्ट पेपर में बेटा क्या करने वाले हैं, हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर्स आप लर्न कर चुके हैं, जो सब्जेक्टिव हमें पता है कि इस बार पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो टाइप का होगा। पेपर वन हमारा सब्जेक्टिव होगा, पेपर टू हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। तो पेपर वन की तैयारी आई होप आप सभी कर चुके होंगे। आपने जो क्वेश्चन लर्न कर लिए हैं पूरे साल में वही आपके काम आने वाले हैं। अब उसमें मैं ये नहीं कह सकती आप मेरे वाले ही क्वेश्चन कीजिए, बट ये जो सेक्शन है बेटा, सेक्शन बी जो हमारा होगा, पेपर बी जो होगा वो हमें 1.5 घंटे बाद यानी लास्ट के 1 घंटे में दिया जाएगा। और इसमें ये 40 मार्क्स का होगा, इसमें सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो हम इनका रिवीजन कर सकते हैं और इस रिवीजन में जो भी पार्टिसिपेट करेगा वो उसके लिए फ्रूटफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, हमारे पहले क्वेश्चन में पार्ट टू के, पेपर टू के पहला क्वेश्चन होगा अनसीन पैसेज का। और दो अनसीन पैसेज दिए गए होंगे, उनमें उनको हमें पढ़कर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व करना होगा। तो अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अबाउट 1 in 5 ओल्ड पीपल इन द वर्ल्ड फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्धा हु लिव्ड अबाउट 26 ईयर्स अगो। ही वॉज बॉर्न, ही कौन, बुद्धा। Buddha was born in 563 BC, 563 BC. The Buddha is a little, not a name. Buddha जो है वो एक नाम नहीं था. It means enlightened one or the one who knows. The Buddha's real name was Siddhartha. अगर question पूछा है Siddhartha क्या क्या नाम था उसका, real name Siddhartha. He was the son of Sakya king in the northeastern India. आप देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारा पैसेज है, इस तरह से हमें सारा पैसेज को रीड करना है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे तो पूरा पैसेज पढ़ने में कोई तुकबाजी नहीं बनती बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीड द क्वेश्चन एंड देन वी शुड रीड द पैसेज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल। हमें ढूंढना है इसमें कि हम अपने जीवन को कैसे मीनिंगफुल बना सकते हैं अपनी लाइफ को। तो अब अगर हम पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें ये लाइन ढूंढनी है कि मीनिंगफुल लाइफ को बनाना है। अब देखिए, टू मेक आवर लाइफ ए मीनिंगफुल वन वी नीड टू माइंड आवर थॉट्स। क्या लिखा है, वी नीड टू माइंड आवर थॉट्स। तो यहां पर देखिए आप ऑप्शन देखते हैं तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से हमें क्वेश्चन से रिलेटेड सर्च करने हैं वर्ड पैसेज में और ऑब्वियसली वी विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज इट दैट मोटिवेट्स आवर डीड्स। हमारे कामों को कौन मोटिवेट करता है। अब यहां पर मोटिवेट पहला आंसर जहां मिला था उसके आसपास ही हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। फॉर आवर थॉट्स फाउंडेशन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेटिंग पावर ऑफ आवर डीड्स। तो हमारी क्या करती है, फॉर आवर थॉट्स आर, क्योंकि हमारी थॉट्स ही मोटिवेशनल पावर होती हैं। तो क्या होती है, हमारी थॉट्स मोटिवेट करती हैं हमारे कामों को। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट आवर स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस। हमारी जो कॉन्सियसनेस है उसके स्टेट उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगला भी थोड़ा सा देख लेते हैं, हाउ कैन वी मोल्ड आवर थॉट्स। हम अपनी थॉट्स को कैसे मोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर से पैसेज में चलते हैं, थॉट को मोल्ड करने की बात और कॉन्सियसनेस की बात। कॉन्सियसनेस की बात अगर हम देखें तो यहां पर देखिए आप लाइन देख सकते हैं, सी हियर, माइंड क्या है, माइंड इज द सम टोटल ऑफ द स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस ग्रुप्ड अंडर। कॉन्सियसनेस किसके ग्रुप में के अंडर आती है, थॉट विल एंड फीलिंग के अंडर। और उसके बाद एक अगला क्या था हमारा, जो हम अपने माइंड को मोल्ड करते हैं उसके बारे में कुछ था। तो यहां पर देखेंगे, मोमेंट इनएक्टिव बिसाइड सेल्फ कॉन्सियसनेस, कृष्णा कहता है बॉडीली प्लेन पर एंड टाइम एक्टिंग थॉट प्लेन, देयर फोर वी ऑब्जर्व आवर सेल्फ वी कैन इजीली मोल्ड आवर थॉट्स। हम अपनी थॉट्स को कैसे मोल्ड कर सकते हैं, बाई ऑब्जर्विंग आवर सेल्फ। तो ये दोनों ही हम देखते हैं, आप ऑप्शंस में हमारे पास है क्या ये आंसर, बिल्कुल है। ये देखिए, आर थॉट्स आर विल आर फीलिंग
ये हमारे ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो गया। इसके बाद हाउ कैन वी मोल्ड आर थॉट्स, हम अपनी थॉट्स को कैसे मोल्ड कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, कैसे उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं, बाय ऑब्जर्विंग आर सेल्फ, खुद को ऑब्जर्व करके। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सिनोनिम ऑफ मैसिव, मैसिव का मीनिंग वैसे ही हम अंदाजा लगाएं तो पता चलता है कि मैसिव मीन्स होता है बहुत ज्यादा, तो ट्रिमर हो नहीं सकता है, तो इसका होगा बेटा इमेंस, इमेंस मीन्स मैसिव। अब नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट आपको सोल्व करना है, तो यहां पर ये जो पैसेज है बेटा इसको आप पढ़ के देखिए और इसमें से पहले क्वेश्चन देखिए आप क्या है, व्हाई हैज द अर्थ बीन कोल्ड एन एनिमी, यहां पर देखो एनिमी ही बता दिया अर्थ को, क्यों कहा गया है अर्थ को एनिमी, देखते हैं पढ़ के। देयर इज एन एनिमी बीनी दर फीट, हमारे पैरों के नीचे ही एनिमी है, हमारा दुश्मन है। एन एनिमी द मोर डेडली फॉर हिज कंप्लीट इम्पार्शियलिटी, ही रिकॉग्नाइज नो नेशन बाउंड, नो नेशनल बाउंड्रीज, नो पोलिटिकल पार्टीज, द एनिमी इज अर्थ इट सेल्फ, हमारी अर्थ ही हमारा एनिमी बन चुकी है यहाँ। वेन द एन अर्थक्वेक कम्स, बताया जा रहा है कि जब अर्थक्वेक आता है तो क्या करता है, द होल वर्ल्ड ट्रेम्बल्स, पूरा जो संसार है वो कांप उठता है, वो शेक हो जाता है। एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के आता है, इसकी पावर इमेंस होती है, बहुत ज्यादा होती है, मैसिव होती है, इमेंस, देखिए यहां पर देखा, इफ इट स्ट्राइक्स ए मॉडर्न सिटी द डैमेज इट कोज इज द एज ग्रेट एज इफ इट इज स्ट्राइक टू द प्रिमिटिव विलेज, गैस मीन्स जो होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, एक्सप्लोजन आर कोज्ड, फायर्स आर स्टार्टेड, तो इसमें सारे में जो हमारा अर्थक्वेक से क्या कुछ हानियां होती हैं उसके बारे में दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या था, व्हाई हैज द अर्थ बीन कोल्ड एन एनिमी, एनिमी क्यों कहा गया है, क्योंकि इट इज बिकमिंग हॉटर, नहीं गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, इससे कुछ मतलब नहीं है, पैसेज में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, बिकॉज इट इज फुल ऑफ सीन्स, क्योंकि यह पापों से भर गई है, नहीं इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, हमें अपनी जनरल नॉलेज यहां पर यूज नहीं करनी, हमें देखना है कि ऊपर दिए गए पैसेज में कौन सा ऑप्शन मैच करता है, बिकॉज इट कॉजेज ग्रेट डैमेज व्हेन इट शेक्स, हाँ जब अर्थ शेक करती है, हिलती है, तो इससे बहुत ज्यादा डैमेज होता है, यस दिस इज द राइट आंसर, इट किल्स मैनी पीपल व्हेन देयर आर फ्लड्स, फ्लड्स का तो इसमें जिक्र ही नहीं है यहाँ पर अर्थ में, इस पैसेज में सिर्फ हमारी अर्थक्वेक का जिक्र है, फ्लड का कोई जिक्र नहीं है, बात यह भी सही है हमारी अगर हम वैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज दिस इज नॉट राइट, तो सो आर राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज एन अर्थक्वेक स्ट्राइक, अर्थक्वेक कैसे स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक की यहां पर देखो सेकेंड फॉर्म कर रखी है, ये कह रहे हैं विद ए वार्निंग, वार्निंग के साथ करता है, विदाउट अ वार्निंग, पहले वार्न करता है क्या अर्थक्वेक, बताता है मैं आऊंगा, नो लाइटनिंग होती है उसमें, नहीं विद थंडर, कोई थंडर की आवाज आती है, नहीं चुपचाप आ जाता है बिना वार्निंग के, तो विदाउट वार्निंग, व्हाट हैपन्स व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, क्या होता है जब अर्थक्वेक आता है, यहाँ पर पूरा लाइन लिखी हुई थी बेटा, मैंने अभी पढ़ा था, गैस मेज जो होती है ब्रस्ट हो जाते हैं, डैम्स टूट जाते हैं, ब्रिजेस गिर जाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अब इसके बाद देखिए आगे हम यहां पर दे रखा है व्हेन डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक अलास्का, अलास्का में अर्थक्वेक कब आया था, तो पैसेज को अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 1968 और ये अक्षरों में मतलब डिजिट्स में लिखा हुआ एक ही वर्ड है, ये देखो ये अलग से दिख रहा है आपको 1968 और इसी लाइन में आप ढूंढेंगे तो अलास्का भी ऑलरेडी गिवन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इमेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेंस का क्या मतलब है, तो इमेंस मीन्स मैसिव, तो ये हमारे अनसीन पैसेज थे बेटा। उसके बाद हमारा होगा ग्रामर का पोर्शन जो हमें 15 मार्क्स का आएगा, चलिए अब ये सोल्व करते हैं, इसमें कुछ पोर्शन के आप को यहाँ पर इस हमारे टेस्ट असाइनमेंट में, स्टूडेंट का टेस्ट असाइनमेंट है ये, उसका पेपर नंबर 9 है जो मैं अभी आपको सोल्व करवा रही हूँ वो, तो बेटा इसमें इन्होंने ऑप्शंस नहीं दे रखे दो तीन चीज़ों के, जैसे कि पंक्चुएशन का ऑप्शन नहीं दे रखी, नरेशन जो चेंज कर रहे हैं इसकी ऑप्शन नहीं दे रखी, तो मैंने इनका सिर्फ राइट आंसर ही लिखा है।
और मैं डिस्कस भी कर लूंगी कि ये कैसे आया। तो अब देखिए, सबसे पहले यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें यूज सीखना है, आपको आता भी होगा बिल्कुल, कि करेक्ट फॉर्म यूज करनी है हमें। तो अब देखेंगे हमने कैसे अरेंज की, कैसे किया। ही ऑलवेज, अब वर्ड ऑलवेज आ जाए, एवरीडे आ जाए, रेगुलरली आ जाए, ऐसे वर्ड, ऐसे एडवर्ब जो किसी काम के रिपीटेड होने को बताते हैं। रिपीटेड एक्शन जो होगा बेटा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, और उसका नियम क्या होता है कि ही शी इट और जो हमारी एकवचन संज्ञा होती है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आईएस लग जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ये वर्ब है हमारे पास कम, तो कम्स क्या हो जाएगा, कम्स। आई होप यहां पर क्या आ रहा है बेटा, दैट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि क्यों आ रहा है, आपको ये बात याद रखनी है कि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आईएस क्यों लगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही था। दूसरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों लगी, क्योंकि यहां पर ऑलवेज दे रखा है, एक ऐसी एडवर्ब दे रखी है, डेली दे रखा हो, एवरी डे दे रखा हो, एवरी मंथ दे रखा हो, एवरी ईयर दे रखा हो, यूजली दे रखा हो, ऐसी रिपीटेड ना सॉरी ऐसी एडवर्ब जो हमें शो करती हैं कि ये काम बार बार होता है। तो फिर वहां पर उन तरह इस तरह के वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, वो हैबिचुअल बन जाते हैं, हैबिचुअल सेंटेंसेस में आ जाते हैं एक तरह से, या जनरल ट्रूथ बन जाते हैं जो बार बार होते हैं। इफ यू वॉक फास्ट यू डैश कैच द ट्रेन। अब इफ वाला जो सेंटेंस होता है बेटा, इफ आ जाए वाक्य में और इफ के बाद, यदि इफ आ गया हमारे सेंटेंस में और इफ के बाद, आई होप यू कैन सी, इफ आ गया, इफ के बाद अगर जो भी सेंटेंस इसके साथ लगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जो सामने वाला एक और सेंटेंस होगा उसमें लग जाएगा हमारा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो विल की सेकेंड फॉर्म लगा दो वुड, और अगर यहां पर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहां भी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ये होते हैं इफ के थ्री रूल्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इफ के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर देखो वॉक आया है, वॉक आया तो यहां पर क्या आ जाएगा, विल कैच, और अगर यहां पर वॉकड होता तो क्या होता बताइए, वुड कैच। वुड के साथ कोट नहीं बनाना फिर आपको, वुड हमारा मॉडल मान लीजिए आप, मॉडल है और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। वुड हैव जब लगेगा तब हम कोट लगाएंगे, कैच की थर्ड फॉर्म। हिज ब्रदर डैश द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, अब फिनिश कर देगा। अब इस तरह के जिसमें बाय लगा हो और उसके बाद टाइम दे रखा हो बेटा, वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज किया जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, यानी फ्यूचर में वो ये काम पूरा कर लेगा। बाय के बाद टाइम का होना, निश्चित होना, टाइम होना जरूरी होता है इसमें। हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। तो रीजन समझ में आ रहा है बेटा आपको कि ये मैं क्यों भर रही हूं, इसमें आपको रीजन को ध्यान में रखना है और इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है सारी वीडियो को। ताजमहल डैश बाई शाहजहां, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। अब ये पास्ट में बनवाया, पास्ट की एक्टिविटी है, पास्ट की एक्टिविटी के लिए कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, या पास्ट के टाइम की कोई भी एक्टिविटी आ जाए, देन वी विल यूज वी टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और बिल्ड की सेकेंड फॉर्म होती है बिल्ट। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। चलिए, आई सेड टू हिम आर यू हैप्पी, तो देखिए सेड टू किसमें बदलेगा, सेड टू उसी में बदलेगा जिसमें जिस तरह का वाक्य आगे पूछा गया है, आगे कोई प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ आस्क्ड में हो जाता है, आगे धन्यवाद किया गया है तो यहाँ थैंक्ड हो जाता है, यहाँ कोई ऑर्डर दिया गया होता है स्पीच में तो ये ऑर्डर्ड में हो जाता है, यहाँ कोई एडवाइस दे रखी होती है इन शब्दों में स्पीच में तो यहाँ एडवाइज्ड हो जाता है। समझ में आ गया बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई क्वेश्चन मार्क है ना, तो आई आस्क्ड हिम, जो भी ऑप्शन होंगे आपको देखना है, आई आस्क्ड हिम, आस्क्ड जिसमें लगा हुआ होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद आस्क्ड वाले भी हो सकता है, दो दे दें आपके पास ऑप्शन, दो मिल जाए आपको ऐसे ऑप्शन, तो फिर आपको देखना है कि आर एक हेल्पिंग वर्ब है और इनको जोड़ने के लिए कनेक्टर इफ का यूज होगा। ठीक है,
और इफ के बाद ये जो आर है ये हमारा इज एम आर बदल जाता है डायरेक्टली पास्ट टेंस में अपनी सेकंड फॉर्म में वॉज वर में। तो सन बटा 123 के अकॉर्डिंग यू बदल गया ही में, ही वॉज हैप्पी।